क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र महाराज की शादी कथावाचक जया किशोरी की से होने जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कथित रूप से दोनों की शादी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र महाराज और कथावाचक जया किशोरी ने शादी से इनकार नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों के अलग अलग बयानों को जोड़कर वीडियो बनाया गया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं एक इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र महाराज ने स्पष्ट किया कि ये महज अफवाह है और वे जया किशोरी को बहन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उन्होंने जल्द अपनी शादी होने की बात भी कही है और इसके लिए गुरु को अर्जी भी लग गई है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम के ये महाराज काफ़ी चर्चित है। वे भगवान हनुमान के भक्त हैं और दावा करते हैं कि वे लोगों के सवाल पूछने से ही पहले उनकी तकलीफ नोट कर लेते हैं और उन्हें समाधान भी बता देते हैं। इतना ही नहीं, कथावाचक जया किशोरी भी काफ़ी मशहूर है। जया किशोरी जी कथावाचक तथा भजन गायिका हैं। वो भगवद गीता, नानी बाईरो माईरो, रामायण आदि जैसे धार्मिक आयोजन करती हैं। जया किशोरी जी ने बहुत ही कम आयु में अपनी मधुर वाणी से करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों के सोशल मीडिया फैंस फॉलोइंग की, तो पंडित धीरेन्द्र महाराज का यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम सरकार के नेम से है जिस पर 2.09 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तथा जया किशोरी जी के दो चैनल है। उनका फर्स्ट चैनल LAM जया किशोरी जिस पर 1.68 मिलियन सब्सक्राइबर तथा 192 वीडियोज अपलोड हैं। साथ ही उनका एक मोटिवेशन चैनल भी है जया किशोरी मोटिवेशन के नेम से जिस पर 5,36,000 सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, बाकी आपका क्या करना है मुझे कमेंट में ज़रूर बता।